आपका फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल फूड जो दिल से के अंदर। और आज हम आपको लेके आ गए हैं केटी मार्केट पीतमपुरा शॉप नंबर 28 पे। और आप मेरे लेफ्ट साइड में देख सकते हैं बॉबी पंजाबी रसोई, और यहाँ पे आपको 150 रुपये के अंदर मटन और अनलिमिटेड रोटी मिलने वाली है, पहली स्कीम। और दूसरी स्कीम सुन के आप लोग सब लोग सरप्राइज हो जाएंगे, आपको 549 रुपीज़ के अंदर आप यहाँ पे जितना मर्जी चाहे अनलिमिटेड। तो यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन हैं, चाहे तो आप 150 रुपये के अंदर मटन साथ में आपको अनलिमिटेड रोटी, या फिर आप 549 के अंदर आप यहाँ पे अनलिमिटेड नॉनवेज फूड खा सकते हैं। और ये प्राइस जो बताया मैंने आपको, ये प्राइस है पर पर्सन का। ये यहाँ पे एक फैमिली रेस्टोरेंट है, तो आप लोग यहाँ पे अपनी फैमिली साथ भी आ सकते हैं और इस नॉनवेज फूड को, अनलिमिटेड नॉनवेज फूड को 549 के अंदर आप लोग इन्जॉय कर सकते हैं। और इसके अलावा मैंने आपको बता ही दिया, आप 150 रुपये के अंदर आपको यहाँ पे मटन और साथ में अनलिमिटेड रोटी मिलने वाली है। तो मैं सबसे पहले आपको सिटिंग स्पेस दिखा देता हूँ। ये इनका सिटिंग स्पेस है, आप देख रहे हैं। अगर आप फैमिली के साथ भी आना चाहते हैं तो यहाँ पे आप लोग बिल्कुल फ्री ऑफ माइंड आ सकते हैं। और यहाँ पे इनका जो बढ़िया जो फूड है, जो अनलिमिटेड फूड के लिए हम लोग यहाँ पे आए हैं, आप लोग इसे खा के इंजॉय कर सकते हैं। तो करेंगे शॉप के ऑनर सरदारी से बातें, फिर आपको दिखाएंगे मटन की मेकिंग और फिर नमस्कार जी, आप जी मेरे फॉर्म का नाम है बॉबी पंजाबी से पीतमपुरा में है, के डी ब्लॉक पीतमपुरा मेट्रो स्टेशन के पास पिलर नंबर 345 के सामने है। और हमने इस लॉकडाउन के पेड़ को देखते हुए हमने लोगों के लिए स्कीमें निकाली जिससे लोग भर पेट खाएं, जो 6 महीने तक लोग खाने के पीछे लगे रहे, कहें खाना 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 खाना। तो हमने अपने आप अनलिमिटेड खाना चालू किया अपने यहाँ पे, जिस सुबह दिन में आप 1 से 12 से 4 बजे तक मटन के साथ रोटी फ्री, जितनी भी रोटी लें, और शाम के 549 के अंदर आप अनलिमिटेड खाना खा सकते हैं पर पर्सन, जिसमें फिश नहीं है उसके अंदर। और हमारा मकसद है अच्छा खाना खिलाना, अच्छा फूड खिलाना और अच्छी सेवा करना। और सोनू जी को मैं पिछले टाइम से इनके यूट्यूब को देखता आ रहा हूँ, उनको देखता आ रहा हूँ, सराहना भी करता आ रहा हूँ उनकी कुदरती। अभी जा रहे थे अपनी वाइफ के साथ और जाते जाते इन्होंने मुझे देखा, तो इन्होंने मुझसे टाइम लिया कि सर आपका जो 2 मिनट टाइम ले लूँ। तो मैंने कहा जी कोई बात नहीं सोनू जी, तो मैं जानता ही था, मैंने कहा कोई बात नहीं, दिल्ली से कहता जानते मेरे को, हाँ मैं जानता हूँ आपको, जानता हूँ कोई बात नहीं। तो इनकी वाइफ आई हैं, जी जा तो किसी काम के लिए और थे, तो जा रहा था भगवान को रास्ता निकाल लेता ऐसे, करते करते क्या हुआ कि भगवान जी ने रास्ता निकाले, चलो जी आज बोबली के बाद चल पड़ते हैं। ये चाहते थे काम से रहते, तो वाइफ ने इनके पीछे से कहा, आप गाड़ी चला रहे थे, वाइफ ने कहा सुनो जी सुनो सामने रोटी फ्री है, यहाँ भी थोड़ा शूट कर लेते हैं। तो जो भी है जो प्रबंधन करता है अच्छे के लिए करता है। तो आप सबसे यही विनती है कि कोरोना के पीरियड के अंदर अभी भी कोरोना चल रहा है, तो सब सेफ रहें, अच्छा खाएँ, बढ़िया खाना खाएँ, स्वस्थ रहें सारे, और अपने प्रिकॉशन का ध्यान रखें, गर्म पानी पिए, जो कि गवर्नमेंट या एक दूसरे शेयरिंग कर रहे हैं आपस में उसका अमल करें। ना जी बताओ, अभी आपके सामने केमा मीट जो बन रहा है आपके सामने, इसकी प्रिपरेशन तो हो रखी है सारे सरसों के तेल के अंदर, और इसके बाद में देसी का तड़का मारेंगे, इसको आपको देंगे आपको हम। और इसके ये बात गारंटी है कि जो आप कलर देख रहे हैं ओरिजिनल कलर है, जो भगवान की देन है। तो इस समय कोरोना में यही सिखा रहा है कि भगवान से प्यार करो, और ये ओरिजिनलिटी के अंदर सारा सामान देखिए, कोई कलर नहीं है, कोई कुछ नहीं है। और आप खाएंगे आप खुद कहेंगे अगले दिन आपको इसमें जलन नहीं होगी, मसाले बड़े डाल रखे हैं, चीप पड़ जा रहे हैं, और तवे पे आप बनाते हुए देख रहे हैं आप इसको। आमतौर पर आपने देखा कि लोग की कहे उसे कढ़ाई में बनाते उसमें बनाते ना, तवे पे रगड़ के बनाते इसको। ये बटर यूज़ कर रहे हैं आप? नहीं बटर नहीं इस्तेमाल, इसमें देसी घी इस्तेमाल होगा इसके अंदर, तब इसका फ्लेवर है। बाद में तड़का मारते देसी का तड़का मारते हैं, जिसका फ्लेवर निकल के आएगा, सब निकल के आएगा। अभी आप कस्टमर से अंदर आप अंदर बैठे, आप दिन का समय आप देखो कस्टमर कितने बैठे अंदर, वो सब इसी सेवा में लगे हुए हैं कि हाँ जी वाकई में क्वालिटी मुँह से बोलती है। तो बाद खाना वो जो सिर चढ़ के बोले, जो मैं कह रही भाई वाह क्या मज़ा आया, और वो जमान आपकी तारीफ भी करे कि हाँ जी बढ़िया खाना खाया हमने। अच्छा अभी आप लोगों को दिख रहा होगा कि सरदार जी इतनी बढ़िया बढ़िया बातें कर रहे हैं, और जितने हमारा मटन हमारा तैयार हो रहा है, सरदार जी बातें करने में जो मज़ा आ रहा है। और आपको इसमें जो कलर दिख रहा है ना आपको, इसमें ना कोई भी एडिड कलर नहीं डाले गए, एकदम ये ओरिजिनल कलर है। और हमने लॉकडाउन के पीरियड के अंदर लोगों की सेवा करते रहे हैं, जो भी कुछ है आपको पता ही होगा। वो तो ये है कि हमारा मकसद ये है कि खुश रहो, और जितनी खुशी रहोगे प्रॉब्लम आपकी छोटी होती जाएगी। अब आपके सामने ये बिल्कुल तैयार हो गया, ये आपके ये मटन भी, हमने इसमें सब डिस्पोजल इस्तेमाल करा सारा हम, तो जिसमें हमारे को हाइजेनिक की प्रॉब्लम ना रहे, कि आमतौर में जैसे कहते हैं हाइजेनिक और इसकी प्रॉब्लम ना रहे हमारे को, इसलिए हम इसको सारे डिस्पोजल एवरीथिंग
चम्मच भी, और हम पानी भी सर्व कर रहे हैं, बोतल के अंदर सर्व कर रहे हैं, बोतल पानी सर्व कर रहे हैं। मतलब कोविड को देखते हैं आप पूरा प्रिकॉशन ले रहे हैं? बिल्कुल प्रिकॉशन जी, जहाँ नजर हटी नहीं दुर्घटना घटी नहीं, तो इसलिए नजर हटने नहीं दोगे? नहीं देंगे, हम चाहते हैं सब खुश रहे। कर रहे हैं धनिया डाल रहे हैं, धनिया डाल रहे हैं जिसके अंदर आपके सामने ये हरी मिर्च डल गई, ये हाँ लचपटा, और ये हो गया अदरक के लच्छे। आप देखिए आपको इसमें एक बहुत ही बड़ा लार्ज साइज का विराट साइज का मटन का पीस, और आप ये जो देख रहे हैं ना, ये इन्होंने जो तड़का दिया ये ऊपर दिया इन्होंने देसी घी का तड़का, और आपको पता है देसी घी का मटन बहुत कम दिल्ली में आपको मिलता है। और यहाँ पे सेटिंग स्पेस भी है, और आपने इसकी ग्रेवी देखी है, ग्रेवी में ना एकदम थिक ग्रेवी, बहुत ही गाढ़ी गाढ़ी ग्रेवी है, और मैंने आपको दिखाई दिया इसमें अदरक के लच्छे, धनिया और ये हरी मिर्च के छोटे छोटे पीसेस डाले गए हैं, और रोटी आप जितनी मर्जी ले सकते हैं, हमने लगाई अपने दो रोटी, और क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, और आपको पता है कि मटन जो है और एकदम गर्मा गर्म मटन है, एकदम गर्मा गर्म खुशबू देसी घी का जो इन्होंने तड़का मारा है उसकी खुशबू बहुत बढ़िया आ रही है। तो कर लेते हैं फूड की टेस्टिंग। सबसे पहले मैं एक और आपको बता दूं, मैं इन्होंने आपको साथ में प्याज और इनकी हरी चटनी, तो एक छोटा सा बाइट ले लेता हूँ पहले मैं इनकी जो ग्रेवी दे रहे हैं साथ में। बहुत बढ़िया भाई, ग्रेवी थोड़ी सी स्पाइसी है, और आपको पता अगर मटन स्पाइसी ना हो तो मज़ा नहीं आता, एक तो स्पाइसी तो है ही, और एकदम गर्मा गर्म मटन बढ़िया। और जो उन्होंने अलग से देसी घी का इसमें तड़का मारा ना, वो उसके स्वाद को इन्हेंस कर रहा है। और ये रोटी तो एक बाइट ले लेते हैं साथ उसका रोटी के साथ, और ग्रेवी जो है ना बहुत थिक ग्रेवी है, और ये जो सदाजी ने मटन का पीस दिया था एक बाइट ले, और आप देखिए ये लगाया हमने इसमें प्याज, और थोड़ा सा ये इनका देसी घी जो उन्होंने दिया है आप देख रहे हैं, और एक बाइट ले लेते हैं मटन गन के। लाजवाब, बहुत बढ़िया बढ़िया मसाले, बढ़िया स्वाद, गर्मा गर्म मटन और थिक ग्रेवी, मज़ा बांध दिया भाई, ऐसे तो मज़ा ही आ गया। वाह, स्वाद एकदम परफेक्ट, मसाले बढ़िया, स्वाद, प्राइस एकदम नॉर्मल, मात्र 150 रुपये के अंदर आपको मटन और या रोटी देख रहे हैं, अनलिमिटेड रोटी। और आप लोग प्लान कर रहे हैं तो आप लोग भी अपनी फैमिली से यहाँ पे आ सकते हैं, ये फैमिली रेस्टोरेंट है, और प्राइस इनका बहुत नॉर्मल है, प्राइस बिल्कुल हाई नहीं है। स्वाद के मामले में कोई डाउट नहीं है, और देखिए जो ना ऐसा नहीं है कि इसमें मसाले स्पाइसी बहुत ज़्यादा ऐड करे गए हों, जो कहीं ना कहीं इसके स्वाद को टेस्ट को ओवर कर रहा। देखिए एकदम बैलेंस मसाले हैं, और ख़ास बात ये है कि आपको जो मटन सर्व किया जा रहा है, कई जगह क्या होता है कि वो पहले बना के रखते हैं, सिर्फ आपको गर्म करके वो आपको सर्व कर देते हैं, तो यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे आपको आपके सामने ये मटन बना के दिया जाएगा, और आपको पता है फूड फ्रेश मिल जाए और प्राइस नॉर्मल हो, और मटन हो साथ में या चिकन हो, तो फिर तो सर्दी का मौसम हो, तो आपको पता है चिकन मटन का मज़ा अलग होता है। फिर आपको मैं आपकी बातें कर रहा हूँ, उसके साथ साथ फूड इंजॉय कर रहा हूँ,
क्योंकि फूड बहुत ही बढ़िया है। और आपको दिखाता हूँ मटन का पीस, आप देखिए ये इनका मटन का पीस, आप देखिए एकदम आराम से गला हुआ मटन टूट रहा है, एकदम बढ़िया मसालों से लिपटा हुआ, बहुत बढ़िया। ये 150 के अंदर कोई महंगी डील नहीं है, तो आप लोग भी यहाँ पे आएँ, इस फूड को एंजॉय करें। भैया अब देर मत करो और अब आ जाओ यहाँ पे इस फूड को एंजॉय करने के लिए। तो मिलते हैं आपको नई जगह नए स्वाद नए टेस्ट के साथ। थैंक यू आर वॉचिंग आई यूट्यूब चैनल फूड जो दिल से। तो मिलते हैं आपको नई जगह और नए जायके के साथ, ऐसे दिल्ली के स्ट्रीट फूड्स आपके लिए लाते रहेंगे। आप लोग हमें सपोर्ट करते रहें, और अगर आपको वीडियो पसंद आए ना तो आप लोग एक बार लाइक का बटन दबा दें, उससे ना हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो ये एक आपका एक लाइक हमें बहुत मोटिवेट करता है। तो थैंक यू सो मच।